मैं संदीप सिंह चौहान बेल एकेडमी से और पाइसनले सिंह परिहार से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मैथ्स सिंपलीफिकेशन के एक और टाइप में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर एक फिक्स फॉर्मेट होता है। अगर क्वेश्चन कोई भी इस फॉर्मेट में आपके पास है लाइक एक्स माइनस रूट ओवर एक्स अगेन माइनस रूट ओवर एक्स सो ऑन गोस टू इनफिनिटी, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इसमें केवल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन को गौर से, ये सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स अगेन माइनस अंडर रूट सिक्स, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि हम पहले एक्स लेते हैं, एक्स कितना आपके पास सिक्स। अब अगर आप देखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, इट मीन्स अगर टू इंटू टू प्लस वन के फॉर्मेट में, तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा हुआ, एक्स इज इक्वल एन इंटू एन प्लस वन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप एन कितना आ रहा आपके पास एन, तो एन इज इक्वल कितना मिल गया आपको टू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एन की वैल्यू मिल गई है तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमेशा रहेगा वो होता है एन। इट मीन्स आप ये जान सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा आपको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए आप डायरेक्टली बता सके, अगर सिक्स था तो टू थ्री जो सिक्स, इट मीन्स जो पहला नंबर है वो अपना सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस अपन यहाँ पे ले लेते कि ये सब प्लस में चलेंगे लाइक दिस, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा फॉर्मेट तो वही चलेगा क्योंकि एक्स इज इक्वल एन इंटू एन प्लस वन रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये अपना जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, एन प्लस वन, इट मीन्स बिगर नंबर, बिगर नंबर, जो बिगर नंबर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अगेन अंडर रूट 6 सो ऑन, तो इस केस में आप पहले लिखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, इट मीन्स आपके एन की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आता तो उस सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं उसको हम बताते हैं, क्योंकि एन आंसर अपना आना चाहिए एन प्लस 1, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड द वैल्यू फॉर डबल एक्स प्लस ओवर एक्स SSS, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं किसके इक्वल 3 के। तो दोनों चीजों आपने देख चुकी है कि अगर माइनस वाला चलेगा तो लोअर नंबर इट मीन्स n को लेना, और जो बड़ा वाला चलेगा तो उसमें आप क्या लेके चलेंगे n प्लस। ठीक, थैंक यू। मैं संदीप सिंह चौहान पहले एकेडमी में आपका बहुत से स्वागत करता हूँ, और इसी तरह मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कुछ ट्रिक को आप इजी वे में सॉल्व करने के लिए मेरे यूट्यूब में ये वीडियो देखते रहें कंटिन्यूसली आगे। थैंक यू।